जितनी डस्ट है यहाँ पे। अच्छा सुनो, ये जितना भी एरिया है ना, इसको फटाफट क्लीन करो। नया मलबरी सिल्क का जो शिपमेंट आ रहा है ना, उसको शिफ्ट कराना है यहाँ पे। तुम उधर हाँ साफ करो, आओ इधर इधर, इसको भी साफ करो। उधर लग जाओ तुम, आप उधर चले जाइए। सर सर, ये मैनी क्वीन नहीं है सर। हाँ हाँ, मैंने अभी अभी घर शिफ्ट किया है। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके ठीक है, नॉट एन इश्यू, थैंक यू। सीमा? हाँ जी। मेरा टिफिन रेडी? हाँ हाँ बस, थैंक यू। तकरे भड़ गए ना तेरे, कितनी बार बोला तुझे मेरे? ये क्या हो रहा है? अरे ये आदमी चिल्लाते ही रहता है, मेरे को तो शक्ल से पूरा चंडालिश दिखता है। हाँ हमेशा गुस्से में रहता है। क्यों? पता नहीं मैडम। अच्छा ये पानी का बोतल है, ध्यान से लेकर जाना और राजमा भी खा लेना। हाँ मेरे को तो उसके घर काम इच नहीं करने का है। हाँ मैंने तुझे समझाया ना कि मुझसे हाय हाय, फिर मारने लगा बेचारी विनीता दीदी, इसको तो कीड़े पड़े, ये आदमी तो मारता है। चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह एक कोने में पड़ी रहे, और ना इतनी मार मारूंगा, इतनी मार मारूंगा जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी तू, समझे? क्या चाहिए आपको? ए दर्जा, हट। ए ए ए मैडम, ए कहाँ घुसी जा रही हो? मैं सीआईडी से हूं, अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए तो तुम बेझिझक बता सकती हो। बताओ बात क्या है? कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कोई तुम्हें तंग तो नहीं करता? तो तुम्हारे पीठ पे ये खरोच के निशान कैसे? ओ ये तो मैं किचन में स्लिप हो गई थी, तो बस कुछ खरोचे आ गई। अच्छा अच्छा, किचन में गिरने से ये खरोचे आई हैं? हाँ मैडम, उसने कहा ना खरोच ऐसे ही आया है, अब बाल की खाल मत निकालिए। तसल्ली हो गई आपको? चलिए जाइए। मैडम, मैडम जी, किसी के पारिवारिक मामलों में अपनी नाक मत घुसेड़ा कीजिए, समझ गई आप? निकल लीजिए। हेलो, ओके सर, ये पूरी जगह छान माली सर, लेकिन इस लड़की का सर कहीं नहीं है सर। सर शरीर पे कोई और चोट का निशान नहीं है, सिर्फ इसकी गर्दन कटी हुई है, गर्दन काट के ही मारा है सर इसको। सर पता कैसे चलेगा कि ये लाश किसकी है? ना कोई आईडी है और ना कोई ऐसा सामान जिससे इसके बारे में पता चले। मगर सर किसी ने सर काट कर ही क्यों छुपाया? कौन है ये लड़की, कोई जानता है इसके बारे में? मैं सोचता सर कोई नहीं जानता, इनफैक्ट हम लोग खुद परेशान है सर, ये लाश यहाँ कैसे आई? सर ताला तो ठीक ठाक है सर, किसी ने ताला खोल के लाश को डाल दिया होगा यहाँ पे। चाबी किसके पास रहती है यहाँ की? सर मेरे पास, और ये शंकर, शंकर ये हमारे
स्टाइलिश नजर इनके पास। चाबी तुम दोनों के पास है तो हो सकता है खून तुम में से किसी ने किया। कैसी बात कर रहे हो ऑफिसर, मैं वाला खून क्यों करूंगा? और चाबी अकेले मेरे पास नहीं, इसके पास भी तो रहती है। फिर तो इसका मतलब मैंने खून किया क्या? सर सर मैं खून क्यों करूंगा सर, मैं तो जानता तक भी नहीं किसी को। सर मेरी चाबी भी मेरे पास रहती है। हाँ तो सर मैंने भी किसी को चाबी नहीं दी, इनफैक्ट मेरी चाबी ज्यादातर ऑफिस में पड़ी रहती है। सर यहाँ के किसी अंदर के आदमी ने ही चाबी चुरा के ये सब किया होगा। सर इस लड़की के शरीर पे जो कपड़े हैं वो मेरे डिजाइन किए हुए। सर तुम्हारी डिजाइन की हुई ड्रेस इसने पहनी और तुमको मालूम नहीं ये लड़की कौन है, है? सर मुझे पता नहीं कि लड़की कौन है, लेकिन इसके लेटेस्ट फोटोग्राफ्स हमने वीर को भिजवाए थे हमारे वेबसाइट पे इसके फोटोग्राफ्स अपलोड करने के लिए। ये वीर कौन है? वीर हमारा फोटोग्राफर है सर। देखो जो कुछ भी किया है तुम में से किसी ने किया है, कोई बाहर का आदमी इन्वॉल्व है चुपचाप बता दे वरना सबके सब फंसोगे, बाद में मत बोलना। क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहते हो? जी सर। क्या? सर मैंने हेमंत सर को देखा था ऑफिस में किसी से बात करते हुए, वो आदमी मुझे गलत लग रहा था, मैंने इनकी वीडियो भी बनाई है अपने मोबाइल में सर। वीडियो? हाँ सर। दिखाना सर। अरे यार किसी ने देख लिया, कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं फंस जाऊंगा यार। फंसोगे तब ना जब किसी को पता चलेगा। 10 मिनट में यहाँ से रफ होकर हो जाऊंगा, रख लो। अच्छा क्या चाहिए तुमको? एक मॉडल की फोटो लेनी है, किसकी चाहिए मैं खुद ढूंढ लूंगा। अच्छा ठीक है, देखो उस चेयर के नीचे जाके ले लो। जाओ। चाबी? अब चाबी किस लिए? सवाल नहीं सिर्फ काम। अच्छा ठीक है ये लो। कौन है आदमी? सर मैं नहीं जानता सर इसको। जानते नहीं हो लेकिन चाबी दे दी उसे। सर इसने कुछ पैसों का लालच दिया और मैंने इसको चाबी दे दी सर, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता सर इसके बारे में। इसको ब्यूरो लेके चलो, साथ में इसका स्केच बनवाओ, समझे? जी सर। पूर्वी यहाँ पे जितनी भी मॉडल्स हैं सबके रिकॉर्ड्स ले लो, पकड़ो इस वीर को, पता तो चले कौन लड़की आई है। वीर रुक जाओ वीर। भाग के कहाँ जाएगा बता? बता बॉस की बीवी कहाँ है? बता। बॉस? कौन बॉस? किसकी बीवी? मैं किसी की बीवी को नहीं जानता, और तुम लोग कौन हो? लगता ऐसे नहीं मानेगा तू। रुक जा, रुक, ए रुक जा, हट हट हट, क्या कर रहे हो? देखो हम लोग सीआईडी से, इस फोटो को गौर से देखो और जो भी याद आता है सब कुछ सच सच बता दो। सर मैं इसे नहीं, सर ये ड्रेस को तो मैं जानता हूँ सर, ये मॉडल लीता को दी थी मैंने सर, ये मर गई। हाँ मर गई। बॉस को बताना पड़ेगा उसकी बीवी मर गई। एक मिनट, कौन बॉस? वायु सर। इसी ने मारा होगा उसकी वाइफ को। सर ये झूठ बोल रहा है, मैं किसी को क्यों मारूंगा? सर भला मैं किसी को क्यों मारूंगा? झूठ बोल रहा है साहब। अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसी ने मारा है? बॉस ने बताया था कि उनकी बीवी के साथ इसका चक्कर है। भाभी जी 2 दिन से गायब थी सर, इसीलिए हम इसका पीछा कर रहे थे। सर मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं था सर, बस हम तो अच्छे दोस्त थे सर। वो वायु का दिमाग खराब है, कुछ भी बोलता है सर। और नीता ने मुझे कई बार बताया था कि उसे मारता है, पीटता है, टॉर्चर करता है सर। सर वो उससे बहुत नफरत करती थी। सर लगता है ये नीता को वायु ने मारा है। मैं इसी भी सर को फोन करके बता देता हूँ कि वो उसकी वाइफ है। कहाँ रहते ये तुम्हारे वायु सर? आसान के क्या पता चला इस औरत की मौत कैसे हुई? यार मैं कोई जादू नहीं हूँ क्या? अच्छा वो जादूगर नहीं है यार, कुछ तो मिला होगा ना, तो बताना यार।
बहुत सारे टेस्ट किए हैं, लेकिन बॉस अभी तक इस लड़की की मौत की असली वजह क्या है ये मालूम नहीं चला है। असली वजह क्या है? क्या है यार, इसका गला कट के तो मौत हुई है। जी नहीं, जैसा आपको लगता है जरूरी नहीं है वो सही है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इसकी मौत की वजह कुछ और है? मैं यही कहना चाहता हूँ। दरअसल बॉस, इस लड़की की मौत पहले हुई है और बाद में इसकी गर्दन काटी गई। क्या, पहचान छुपाने के लिए? हाँ बिल्कुल, लेकिन हम लोगों ने इसकी पहचान कर ली है। वो जो फिंगरप्रिंट्स आप लोगों को बुटीक से मिले थे सारे एम्प्लॉयज के आईडीज में से, उसमें से एक फिंगरप्रिंट इस लड़की के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच होता है। आपका शक सही है, ये लड़की नीता ही है। इसकी मौत कब हुई? रैगर मॉर्टिस और लिवर मॉर्टिस के हिसाब से इस लड़की को मरे हुए 10 से 12 घंटे हो चुके हैं। 10 से 12 घंटे? या, ये सारा किया कराया उस वायु का ही है, नीता का पति वायु। अभिषेक, हाँ जी, आप लोग कौन, किससे मिलना है आप लोगों को? तुम्हारे साहब का है, उन्हें बताएं हम कौन है। ओहो, मॉडलिंग के साथ साथ क्रिकेट। साहब, ये लोग आपसे मिलने आए हैं। आप लोग यहाँ पर? फोन पर तो आपने मुझे बता ही दिया था कि मेरी बीवी का खून हो चुका। कुछ बातें रह गई थी बताने के लिए, वही बताने आए। क्या बताना चाहते हैं? खूनी मिल गया है क्या? नहीं, अभी खूनी मिला तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। कब शादी हुई थी आपकी? यही कुछ 6 महीने पहले। आपकी शादी के बारे में कुछ बताइए, कैसे चल रही थी आपकी मैरिड लाइफ? ठीक ही चल रही थी। अच्छा, लेकिन हमने तो कुछ और ही सुना है। यही कि आप लोग अक्सर झगड़ा वगड़ा करते थे। नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर ये मॉडलिंग स्टूडियो वालों ने क्यों कहा कि आप लोग बात बात पे झगड़ते थे? मुझे नहीं पता सर। ऐसी क्या बात थी जिसने आपको आपकी बीवी पे शक करने पे मजबूर कर दिया? वो आपसे बेवफाई करी थी क्या? लिसन ऑफिसर, मेरी बीवी सही गलत सब समझती थी, इसलिए वो जहाँ जाती थी जो भी करती थी मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं था। तो फिर आपने गार्ड क्यों लगा रखे थे उसके पीछे, नजर रखने के लिए? देखिए सर, मैं एक खाते पीते खानदान से हूँ और नीता के माता पिता यही चाहते थे कि उसकी शादी एक बड़े घर में हो और उसकी जिंदगी बदल जाए, और वो सब ये फालतू के काम छोड़ दे। कैसे फालतू के काम? ये मॉडलिंग, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे ये सब शादी के बाद नहीं पता चला, इसीलिए कि वो क्या करती है ये सब ट्रैक करने के लिए मैंने उसके पीछे गार्ड्स लगा रखे थे। वो तो क्रिकेट खेलती थी ना? खेलती थी सर, लेकिन शादी से पहले मैंने उसे समझाया और उसने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। ऑफिसर, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, सो प्लीज अगर आपको कोई और भी सवाल पूछना ना तो मेरे वकील से बात करिए। खून का मामला है मिस्टर भाइयों, सवाल जवाब तो होते रहेंगे और जवाब तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप दो या आपका वकील। सर सर सर, यही है सर, स्केच तैयार हो गया। ये है क्या? यही था वो? हाँ सर, ये वही आदमी जिसने मुझे फोटो के लिए पैसे दिए थे। सर ये तो शिव है, एक्स कॉप। एक्स कॉप शिव रिटायर्ड? नहीं सर, इसे धक्के मारकर निकाल दिया गया था डिपार्टमेंट से। क्यों सर, ऐसा क्या कर दिया था इसने कि जिसकी वजह से इसे धक्के खाकर बाहर निकलना पड़ा? सर, दो नंबर के कामों में लिप्त है, कोई ऐसा गलत काम है नहीं जो इसने नहीं किया। अब क्या करता है ये? सर, आजकल ये प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चला रहा है। वाह, नौकरी चली गई लेकिन अभी भी अपनी गैर कानूनी हरकतों से बाज नहीं आया। सर जरा मिल लो इस शिव से, पता तो चले ये फोटो लेने क्यों गया था। सर शिव का फोन कब से नॉट विजिबल आ रहा है।
तरह से बिखरा पड़ा है यहाँ पे, लगता है काम की चीज निकाल के भाग गया होगा। पुरानी कहावत है फ्रेडी, लेकिन 16 ने सच है। कोनी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है। जी, ये देखो, लगता है काफी टाइम से फॉलो कर रहा था ये नीता को। मुझे तो लगता है इसी ने खून किया। अगर नहीं भी किया हो तो खून के बारे में काफी कुछ जानता है ये। सर देखिए, ये क्रिकेट ग्राउंड की फोटोग्राफ है और इसमें ये नीता भी है। फोटो पे तो डेट और टाइम भी है, कुछ दिन पहले का ही है। ये नीता अभी भी क्रिकेट खेलती थी, ये बात वायु को पता नहीं थी क्या? तो बताया नहीं उसने। अभिजीत, और भी बहुत कुछ है जो वायु को पता नहीं था। ये देखो, फोटोग्राफर वीर और नीता के बीच प्यार का चक्कर चल रहा था। क्रिकेट ग्राउंड चलते हैं, शायद वहां इसके बारे में कुछ ना कुछ पता चल गया। चलो भाई जल्दी करो, जल्दी फटाफट, टाइम पे सारा काम खत्म होना चाहिए। जल्दी करो, टूर्नामेंट मेरे सर पर है, हाँ समझे? जल्दी से काम खत्म होना चाहिए। इस पिच की तारीफ पूरे शहर में होनी चाहिए। दिस शुड बी द बेस्ट पिच। फटाफट करो, फटाफट। ए सुनो, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आपके यहाँ पे एक लड़की ट्रेनिंग के लिए आती थी, उसका खून हो गया। नीता का, राइट? आपको कैसे पता? आज सारी लड़कियां आई हैं नीता को छोड़कर, इसलिए। आप जानते हैं नीता को? मैं ज्यादा लोगों को तो नहीं जानता सर, पर हाँ नीता को जरूर जानता। कैसे जानते हैं, कुछ खास बात? बहुत खास थी वो सर, एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट, हमेशा मुस्कुराता हंसमुख चेहरा। नीता ने कभी भी किसी को गाली गलौज या बुरा भला नहीं कहा। उसकी मौत के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा सर। आप उसके बारे में कुछ और बता सकते हैं? मेरा मतलब है उसकी मैरिड लाइफ के बारे में कुछ पता है आपको? मैरिड लाइफ मुझे नहीं लगता उसकी अच्छी थी। अपने पति से शादी करके नीता हमेशा उसके एहसानों तले दबा महसूस करती थी। आई थिंक शी वॉज नॉट हैप्पी। एहसानों तले दबा हुआ, ऐसा क्यों महसूस करती थी? बहुत ही खुददार थी नीता। इवन अपने क्रिकेट गियर खरीदने के लिए भी उसने अपने पति से पैसे नहीं लिए, बल्कि उसने मॉडलिंग की और मॉडलिंग से पैसे जमा किए। आई थिंक वेरी इम्प्रेसिव। अच्छा, और कोई जानता है यहाँ पे नीता के बारे में? वो गजेंद्र साहब से पूछ सकते हैं। तुम्हें बताता हूँ बॉल कैसे करते हैं। फिंगर्स क्रॉस सीम पे, ओहो हाँ ये, अब इसको पूरा ऊपर करना है, ठीक है? जाओ। जेंद्र जी। यस। हम लोग सीआईडी से, नीता के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी आपसे। जी पूछिए, क्या जानकारी चाहिए आपको नीता के बारे में? आपको शायद पता नहीं है, लेकिन नीता का खून हो गया है। खून हो गया? कब, कैसे? वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आप जो कुछ भी जानते हैं नीता के बारे में हमारे साथ शेयर करेंगे? जी बिल्कुल। नीता मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, हाँ थोड़ा कम बात करती थी, लेकिन मुझे उसने आज तक नहीं बताया कि वो परेशान थी। यहाँ जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कैसा रिलेशन था नीता का? अब अच्छा ही था, लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स उसको पसंद नहीं करते थे। इस आदमी को देखा है यहाँ पे आसपास घूमते हुए? हाँ ये तो हमेशा यही आता है, बल्कि नीता भी कभी कभी इसके साथ जाया करती थी। ये कल भी आया था। मिलना पड़ेगा इस वीर से। अच्छा यहाँ जो बाकी स्टूडेंट्स, हमें उनके साथ बातचीत करनी है। सर नीता ने जब से यहाँ ज्वाइन किया है वो ऐसी अलग थलग ही रहती थी। तो आप लोगों से बातचीत भी नहीं करती थी? बात बात करती थी, लेकिन उसमें इतना एटीट्यूड था कि उसको लगता था सबसे अच्छी प्लेयर वही है और हम तो कुछ है ही नहीं। कल रात आप कहाँ थे? हम सब पार्टी कर रहे थे तो वहीं थी मैं भी। और नीता कहाँ थी? वो वहाँ नहीं थी, वो शायद होगी अपने कोच, फेवरेट कोच के साथ। फेवरेट क्यों? एक्चुअली गजेंद्र सर नीता को लाइक करते थे और उसको ही सबसे अच्छा प्लेयर भी समझते थे, उसको एक्स्ट्रा क्लासेस देते थे और यहाँ तक कि उसे सबसे बेस्ट मानते थे। सर कोच सर शायद मरते थे नीता पे, इसीलिए तो उसे ज़्यादा सिखाते थे और उसके बॉयफ्रेंड से चलती थी। सर दरअसल वो हर तरह से उसकी हेल्प करते थे और शायद इसी वजह से उसको एक काफ़ी स्पेशल लॉकर दिया था। लॉकर?
सर ये रही चाबी, ये लीजिए। इसकी एक कॉपी नरेश सर के पास भी है, वो असल में बच्चों की सरप्राइज चेकिंग के लिए रखते हैं हम लोग। ये तो शिव है। इसके सर पे चोट लगी है, ये देखो, पता किसी चीज से कई बार वार किया इसके सर पे। सर ये आदमी तो कल यहाँ पर घूम रहा था जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, नीता ने भी इसको देखा था और उसने वीर को भी बताया था इसके बारे में। इसका और वीर का झगड़ा हुआ था, मैंने भी देखा था। सर। हाँ पूर्वी। ये टूटा हुआ हेलमेट और ऑस्ट्रेलिया के दो टिकट्स मिले हैं नीता और वीर के नाम। तो ये वीर नीता के साथ ऑस्ट्रेलिया भागने के चक्कर में था क्या? ये है? ये फोटोग्राफ देख रहे हो ना, और ये है टिकट। ये सब देख के भी ये बोलोगे कि नीता के साथ अफेयर नहीं था तुम्हारा? सर मैंने कहा ना कि हम दोनों अच्छे दोस्त थे। ए, चुप! झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। दोस्त थे तुम नीता के? है? अच्छे दोस्त थे तो फिर ऐसे फोटो खींचवाते? बताओ क्यों मारा तुमने शिव को? क्यों मारा? झगड़ा हुआ था ना तुम्हारा शिव के साथ? क्यों? तो उसी झगड़े में शिव को मार दिया? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। नहीं सर, मेरा झगड़ा जरूर हुआ था शिव के साथ, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मतलब झगड़ा हुआ तुम्हारा और उसे मारा किसी और ने? हाँ 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 सर, हो सकता है। इसका खून करके किसी और को फंसा रहे हो तुम? साफ साफ बताओ क्या हुआ था कल रात? सर सच तो यह है कि मैं नीता से बहुत प्यार करता था, लेकिन सर मैंने शिव को नहीं मारा, मैंने तो बस उसे धमकाया था। What is your problem, Nita? सर, मुझे एक मिनट का ब्रेक चाहिए। अरे क्यों चाहिए ब्रेक? क्या तुम्हारा ध्यान नहीं है खेल में? क्या सर, मुझे है? चोट नहीं लगी है, बस हेलमेट टूट गया, मैं इसे रखकर आती हूँ। Are you okay? Are you okay? वीर, हाँ? वहाँ देखो, वो जो वहाँ खड़ा है, मुझे लगता है वायु ने उसे भेजा है मुझ पर नजर रखने के लिए। कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। मैं देखता हूँ। हेलो, ओए, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? सुनाई नहीं दे रहा क्या? चुप चुप के क्या देख रहा है? चल निकल यहाँ से, निकल। बात सुन मेरी, दोबारा यहाँ पे नजर आए ना तो जान से मार दूंगा, चल निकल। सर मुझे लगा शिव को वायु ने हमारे पीछे लगाया है, इसी वजह से हम देश छोड़कर जाना चाहते थे सर। उसके बाद शिव से मिले तुम? नहीं सर, उसके बाद मैं शिव से नहीं मिला, मैं उसे वहीं छोड़कर चला गया था। और नीता कहाँ गई उसके बाद? सर मेरे और शिव के झगड़े को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान थी, उसे लगा कि शिव वायु को सब कुछ बता देगा और वायु फिर उसे परेशान करेगा, इसीलिए वो घर चली गई होगी। और नीता घर चली गई। एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रखना, जब तक ये केस पूरा नहीं होता तुम ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। हाँ सर, उनके बोल। हाँ सर, क्या पता चला? अभिजीत, इसकी बॉडी को मैंने अच्छी तरह से चेक किया, इसके शरीर पर कहीं कोई चोट का निशान नहीं है, कोई घाव नहीं है, और शरीर में कहीं भी कोई जहर के ट्रेसेस भी नहीं। सालों के साहब, ये बताने के लिए आपने हमें यहाँ पे बुलाया? नहीं मतलब हमें लगा था कि आप कुछ नया बताएंगे। नया भी पता चलेगा, पहले सांस तो ले ले। यानी हाँ बताइए सर। अभिजीत, इसकी मौत भी ठीक उसी वक्त हुई है जिस वक्त नीता का खून हुआ। कि नीता और शिव का खून ही एक तो नहीं हो सकता है? और मौत की वजह? मौत की वजह इसके सर पर लगी हुई चोट। हाँ दिखाता हूं। सर पे यहां पर किसी चीज से वार किया गया है जिसकी वजह से ये स्कल पर यहां हड्डी टूट गई है, और यही इसकी मौत की वजह है। सर मतलब पहले खूनी ने नीता को मारा होगा और फिर नीता को मारते हुए
इसने देख लिया होगा और फिर इसे भी मार दिया। हो सकता है। एक बात और अभिजीत। वो क्या? अरे यार थोड़ा सब्र किया करें। अभिजीत, नीता के शरीर पर हमें कुछ अजीब से निशान मिले हैं। सालों के साहब, ऐसे निशान पहले कभी देखे नहीं थे। दिखेंगे भी नहीं। अरे यार ये निशान अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है, समझे? ये देखो, ये इसके शरीर पर ऊपर की तरफ ये निशान है, कंधों पर, कमर पर, ये पीठ पर, ये देखो। और खास बात ये है अभिजीत कि ये जो भी निशान है, इन निशानों पर हमें विनेगर के ट्रेसेस भी मिले। विनेगर? ये क्या चक्कर है सर? अभिजीत, विनेगर से चोट के निशानों को छुपाया जा सकता है। विनेगर मतलब सिरका? जी हाँ, सिरका। इसमें भी काम आता है। और कमाल की बात यह है कि जहां जहां पर ये चोट के निशान है, वहां वहां पर ये निशान कई बार लगे, कई बार। मतलब सर इसे कोई रोज मारता था? सर ये जरूर वायु का काम होगा। बेचारी मॉडल थी तो चोट छुपाने के लिए विनेगर का इस्तेमाल करती होगी। सर, सर वो बैंक वालों ने बताया कि दो हफ्ते पहले वायु ने शिव के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर किए थे। सर अब तो तय हो गया, वायु ने शिव को पैसे दिए थे नीता पे नजर रखने के लिए, और जैसे उसे पता चला कि नीता उसे छोड़ने वाली है, उसने नीता को मार दिया। ये वायु बहुत कुछ छुपा रहा है हमसे। बुलाओ इसको ब्यूरो में। सुबीर बताओ, वायु तुम अपनी पत्नी नीता को मारते थे, पीटते थे, है ना? सर नहीं, सर ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है सर। वो डिटेक्टिव शिव, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए तुमने कुछ दिन पहले, क्यों? शिव सर वो, हाँ वो शिव, प्राइवेट डिटेक्टिव शिव, उसको तुमने पैसे दिए थे ना नीता पर नजर रखने के लिए, जो कहाँ जाती है, किस किस से मिलती है, क्या क्या करती है, इसलिए? हमें हाँ या ना में जवाब चाहिए। और हाँ, शिव के फोन से हमें सारा डेटा मिल गया है। आखिरी बार तुमसे ही बात हुई थी उसके फोन पे। सर आप हमका शक कर रहे हैं मेरे क्लाइंट पर। जिस दिन नीता जी का खून हुआ तो उस वक्त वायु सर एक बिजनेस मीटिंग में थे। हाँ, आप ये स्टेटमेंट देख सकते हैं। क्या वकील साहब, क्या ये दिखा रहे हो? ऐसे झूठे स्टेटमेंट हम लोग भी दिखा सकते हैं आप? ये अपने पास रखिए आप। अब ये वकील साहब पूरी तैयारी से आए, स्टेटमेंट व्यूटमेंट लेकर। उन्हें पता था कि हम लोग वायु से नीता के खून के बारे में ये पूछेंगे। वैसे तो आपने खामखा तकलीफ की वकील साहब, क्योंकि हमने आपके क्लाइंट वायु को अब तक खूनी तो नहीं माना। वकील साहब आप भी कुछ भी बोलते हैं। सर सर मैं मानता हूँ कि मैंने शिव को हायर किया था, मैंने उसे पैसे भी ट्रांसफर किए थे, लेकिन सर आप मेरा यकीन मानिए, ना ही मैं अपनी वाइफ को पीटता था और ना ही मैंने उसे मरवाया है। आखिरी बार शिव के साथ क्या बात हुई थी? सर वो, सर ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है, क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि जो भी बात करना वो रिकॉर्ड कर लेना। क्या? मिस्टर वायु, मुझे आप अभी जल्द से जल्द मिले, मेरी जान खतरे में है और मैं आपको कुछ बताना भी चाहता हूँ। सर इसके बाद मैंने उससे कांटेक्ट करने की कई बारी कोशिश की, लेकिन उसका फोन मिला ही नहीं। सर ये बात तुमने उस वक्त क्यों नहीं बताई पुलिस को? सर सर एक्चुअली मैं बहुत डर गया था सर। ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारे बारे में कुछ जानता हो, इसीलिए तुमने डरा धमका के उससे तुमने ये रिकॉर्डिंग करवा लिया। उसके बाद उसे मार के वहाँ क्रिकेट के ग्राउंड में ड्रेसिंग रूम में उसकी लाश को छुपा दी, ताकि किसी को तुम पे शक ना हो। हवा में बात करने से कोई फायदा नहीं है सर, जब तक आपके पास ठोस सबूत। हवा में बात करने की आदत नहीं है हमें वकील साहब, ठोस सबूत चाहिए ना। बहुत जल्दी पेश करेंगे आपके सामने वो सबूत, फिलहाल तो आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। चलिए सर। कड़ी नजर रखो इन पर। दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है, या वायु या वीर। सर ये वायु नहीं की, इसलिए तो उसे शिव की रिकॉर्डिंग की ताकि किसी और को फंसा सके। सर खूनी वीर भी तो हो सकता है, क्योंकि वो नीता से प्यार करता था। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि खूनी गजेंद्र भी हो सकता है? वो कोच आखिर एक तरफा प्यार जो करता था वो नीता से। सर मुझे लगता है ये वायु नहीं की,
सर आपने नीता के शरीर पे चोट के निशान देखे? डॉक्टर साळुंके ने भी तो बताया था कि कोई उसे रोज मारता था, रोज पीटता था। सर ये वायु ने ही किया है। लेकिन वीर का कहना है कि नीता ने उसे कभी नहीं बताया था कि वायु उसे मारता पीटता था। सर सर औरतें ऐसी बात शेयर नहीं करती हैं। मुझे मालूम है सर, मेरे पड़ोस में ये केस है। समझ रहा हूँ पूर्वी, लेकिन सबूत चाहिए। वायु के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। पूर्वी मुझे लगता है तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है। तुम घर जा सकती हो अगर सर कहें तो। देख लो, अगर आराम चाहिए तो तुम जा सकती हो। आज तो ये किस्सा खत्म करके ही रहूंगी। किस तरह रोती रहोगी? ये लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। कब तक इस तरह मार सहती रहोगी? कितनी बेरहमी से मारा है। एक आदमी इतना गिर कैसे सकता है? नहीं नहीं, ये उन्होंने नहीं मारा है। मतलब जब वो मार रहे थे तब मैंने बचने के लिए हाथ उठाया, बस तभी चोट लग गई। अब इन चोटों को छुपाने से कोई फायदा नहीं है। हिम्मत से काम लो और उसका सामना करो। कल सुबह जाके उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाओ। ये आप क्या कह रही हैं? मैं अपने पति के खिलाफ कैसे कंप्लेंट कर सकती हूँ? मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। क्यों? मतलब जिंदगी भर मार सहती रहो, है ना? मम्मा, अच्छा अभी छोटा है मेरा बेटा, इसे लेके कहाँ दर दर भटकूंगी मैं? कौन सहारा देगा हमें? जब भी घर छोड़ने की बात सोचती हूँ, इसकी भविष्य की चिंता मुझे सताने लगती है। क्या होगा इसका? कहाँ से लाऊंगी पैसे? इसकी चिंता ना होती तो कब से अपने पति को छोड़ दिया होगा? इतने सुन से तुम नहीं सहती बैठ के। तब मैंने बचने के लिए हाथ उठाया, तभी ये चोट लग गई। नीता का तो अफेयर था वीर से, और वो वायु को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया भी जाने वाली थी, तो फिर वायु की मार क्यों सहेगी? हो सकता है ये चोट के निशान
मारपीट के हुई ना, किसी और वजह से आए हो? साड़ूंगा सर, मुझे आपसे अभी मिलना है, कुछ जरूरी बात है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे? सर सर, अब तक मुझे लगता था कि वायु नीता को मारता था, तो ह्यूमन रिफ्लेक्स एक्शन में उसे अपने हाथ आगे लाने चाहिए अपने बचाव में, तो चोटों के निशान यहाँ होंगे ना? हाँ बिल्कुल, जैसे विनीता के हाथों पे। लेकिन सर, नीता के चोटों के निशान उसकी उंगलियों पे, उसके कमर पे और उसके पैरों पे, तो कहीं ये चोटें उसे क्रिकेट के पिच पे तो नहीं लगी? राइट पूर्वी, जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सही है। मुझे भी लगता है कि इसे ये चोटें गेंद की वजह से आई है। और ये नीता मॉडलिंग भी करती थी ना, तो फिर ये अपनी चोटों के निशान विनेगर से छुपाती थी। सर सर, एक फेवर और है। बोलो। एक मिनट सर, ये एक बार और चेक कर लीजिए। सर, गुत्थी सुलझ गई। अरे वाह, तुम्हें भी बताओ कैसे सुलझाई। पंकज तुम सामने आओ। अरे अरे पूर्वी, तुम पंकज का कुछ करोगी तो नहीं? नहीं सर। पूर्वी, ये क्या है? अरे सर, क्या कर रही है? एक मिनट, क्या 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 बात है पूर्वी? सर सर, नीता के शरीर पे कोई भी डिफेंसिव इंजरीज नहीं है। अरे यार, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम कहना क्या चाहती हो? सर, नीता को जो चोटें लगी है वो खुद के बचाव में नहीं लगी है, बल्कि बॉल लगने से लगी है। बॉल? हाँ सर, ये देखिए। अभिषेक, स्मृति, वैभव, कौन है ये लोग? सर, ये सब क्रिकेटर्स हैं जिनकी मौत फास्ट बॉल से हुई, सर पे लगने से। ये रिपोर्ट मैंने डॉक्टर साड़ुंगे को भी दिखाई और उनसे पूछा कि नीता के साथ ऐसा कुछ हुआ था क्या। तो क्या बोला उन्होंने? सर, साड़ुंगे सर इस बात से सहमत है। उनका कहना है कि बॉल लगने से कुछ भी हो सकता है, ब्रेन डैमेज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, कुछ भी, और सेकेंड्स में मौत हो सकती है। ये सर में चोट लगने वाली बात, ये आइडिया कहाँ से आया? सर, उस टूटे हुए हेलमेट से। अच्छा, तो हेलमेट टूटा होने की वजह से नीता देर रात बिना हेलमेट के क्रिकेट खेल रही थी और बॉल सिर पे लगी। फिर तो ये उसी का काम हो सकता है। ये आप क्या कर रहा सर? सर क्या कर रहा आप? सर, जब मैंने कोई गलती नहीं की है तो हथका नहीं क्यों? फोन किया है तुमने, नीता का खून तो हथकड़ी तो लगेगी ना। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नीता मेरी फेवरेट खिलाड़ी थी। फेवरेट स्टूडेंट थी, इसलिए एक्स्ट्रा कोचिंग देते थे उसे, बिना हेलमेट के प्रैक्टिस करवाते थे, सर पे बॉल मार के हत्या कर दी और फिर उसकी लाश की गर्दन काट के छुपा दिया उसे फुटेक में। नहीं सर, काम भी हो गया और किसी को शक भी नहीं हुआ। क्यों? आप लोग झूठी कहानी बना के मुझे फंसा रहे हैं, लेकिन आपके पास सबूत कहाँ ये सब साबित करने के लिए? ठीक है, वो भी मिल जाएगा। आप लोग वहां कहां जा रहे हैं? ये मैन अकेडमी है, यहां मेरा अनुशासन चलेगा। रुकिए। तुम्हारी अकेडमी? ये तुम्हारी अकेडमी कहां से हो गई? तुम यहां पर सिर्फ एक कोच हो। फोटो देख के हम समझ गए थे कि इस पिच से अच्छी जगह तुम्हें नहीं मिलेगी नीता के सर छुपाने के लिए। इसके अलावा तुम्हारी उंगलियों के निशान भी मिल चुके हैं हमें। तुम्हारे पास गुनाह कबूल करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। हाँ सर, मैंने मारा है नीता को।
लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था। वो तो मेरी फेवरेट स्टूडेंट थी। हेलमेट तो टूट गया है, दूसरा हेलमेट लेकर आओ। नहीं, जरूरत नहीं है, बिना हेलमेट के खेलना सीखोगे। मगर सर, चोट लगने का खतरा रहेगा। खतरा तो रहेगा ही, लेकिन बॉल से कैसे बचना है ये भी तो सीखना है ना। कुछ नहीं होगा, खेलो। मैं बहुत घबरा गया था, मुझे लगा कि मेरा सारा करियर चौपट हो जाएगा। मेरे लिए तो एक एक्सीडेंट था ना, लाश को छुपाने की क्या जरूरत थी? कौन मानता है कि वो एक्सीडेंट था, या किसको यकीन होता? सिर काट के क्यों छुपाया तुमने? नीता के सर पे बॉल लग गई थी और उस बॉल का निशान उसके सर पे था। मुझे लगा मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मैंने गर्दन काटी और छुपा दी। शिव का खून क्यों किया तुमने? कुछ दिन पहले शिव और वीर का झगड़ा हुआ था, क्योंकि शिव नीता पे नजर रखता था और ये बात मुझे मालूम थी, तो मुझे लगा किसने भी मुझे देख लिया होगा। बॉस, मुझे आपसे मिलना है, एक बहुत जरूरी बात बतानी है। लेकिन मैं सच कह रहा हूं सर, ये वाकई में एक एक्सीडेंट था। मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा। शिव का खून तो तुमने जानबूझ के किया है, दो दो गुनाह किए हैं तुमने, तुम्हारा फैसला तो अदालत करेगी। आइए, कम कम कम। आज से आप और आपका बेटा यहां रहेंगे, मेरे घर में, मेरे साथ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। आपको धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ अपने खुद के लिए कर रही हूँ। अपने लिए मतलब? मतलब मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, बिल्कुल अकेली। अब आप लोग आ गए हैं तो मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। आज से ना ही कोई आपको मारेगा और ना ही आपको अपने बेटे की भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.